Hey everyone, how are you all? This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon. Student, आज हम discuss करने वाले हैं complex permanent tissue के बारे में. हमने अपने previous video में ये discuss किया था student कि simple permanent tissue उसे कहते हैं जिनके cell structurally same हो और same function perform करते हो. लेकिन complex permanent tissue थोड़ा different है. Different क्या है कि इनके जो सेल होते हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होगा. मतलब विभिन्न विभिन्न के सेल होंगे भाई साहब, लेकिन सब फंक्शन एक कॉमन परफॉर्म करेंगे. सी, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली डिससिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन, इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. क्योंकि नाम ही बता रहा है भाई साहब, कम्प्लेक्स है ना. अगर स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्क को कट कर दें, सिर्फ सिमिलर लिख दें, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए. सी, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, क्योंकि डेफिनेशन ही बता रहा है स्ट्रक्चरली डिससिमिलर सेल्स, है ना. वैसे टिश्यू जिनके पास हर अलग अलग सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं लेकिन सब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सी, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख ले. ये मेनली डिवाइडेड है स्टूडेंट टू पार्ट्स में. नंबर वन इज जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोम. ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं लेकिन फंक्शन एक करेंगे, है ना. तो जाइलम को देख लो, जाइलम फोर टाइप्स ऑफ सेल से बना है. नंबर वन इज ट्रैकेट्स, नंबर सेकंड इज वेसल्स जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, नंबर थर्ड इज जाइलम फाइबर्स जिसको हम जाइलम स्कलर एंड काइमा भी कहते हैं, एंड द नंबर फोर्थ इज जाइलम पेरेन्काइमा. तो देख लो, जाइलम जो है मेनली स्टूडेंट ये फोर टाइप्स ऑफ सेल से बना है, ट्रैकेट्स, ट्रैकिया या फिर आप उसे वेसल्स बोले, जाइलम फाइबर्स या उसे आप जाइलम स्कलर एंड काइमा बोले, एंड द लास्ट वन इज जाइलम पेरेन्काइमा, है ना. ये फोर टाइप्स ऑफ सेल में स्टूडेंट सिर्फ एक ही लिविंग है. सोच कर बताओ, देख लो, वैसे आपने देख लिया होगा जाइलम पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा हमने क्या स्टडी किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में, कि पेरेन्काइमा लिविंग सेल है. क्यों? क्योंकि उनके सेल वॉल थीन है ना, सेलुलोज के बने हैं, लिविंग है, तो इसलिए स्टूडेंट जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग रहेगा और ये बाकी तीन जो बचे ये सारे डेड सेल हैं. लेकिन ये चारों मिलकर एक ही फंक्शन करेंगे. कौन सा फंक्शन? जाइलम का फंक्शन एक ही है स्टूडेंट, हम बचपन से ये जानते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड 7 से पढ़ते आ रहे हैं. जाइलम क्या करता है? प्लांट को वाटर कंडक्ट करने में हेल्प करता है. मतलब जब सॉइल पे हम प्लांट डालते हैं, मिट्टी में हम प्लांट डालते हैं, तो मिट्टी से रूट क्या करता है? उस प्लांट को एब्जॉर्ब करता है. अब रूट से लीव्स में जाना, स्टेम में जाना, ये सब जाइलम परफॉर्म करेगा. एक पाइपलाइन जैसी होगी जो जाइलम क्या करेगा, नीचे से रूट से पानी को खींच करके प्लांट के ऊपर प्लांट तक पहुंचाएगा, प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचाएगा या स्टेम्स तक पहुंचाएगा. ओके, फ्लोम क्या करता है? फ्लोम का एक ही फंक्शन है कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, मतलब ये फूड कंडक्ट करेंगे. तो खुद सोचो स्टूडेंट, फ्लोम जब फूड कंडक्ट करेगा तो प्लांट का फूड कहाँ बनता है? ऑब्वियसली लीव से बनता है. तो लीव से नीचे जाएंगे, है ना, लीव से फिर पूरे बॉडी में फूड को कंडक्ट करेंगे फ्लोम. तो ये ऊपर से नीचे जाते हैं, जाइलम क्या करेगा? पानी कंडक्ट करना. पानी कहाँ से मिलेगा? रूट से मिलेगा. तो जाइलम नीचे से ऊपर जाते हैं. सी, फ्लोम इज अदर डिवाइडेड इंटू थ्री, नॉट डिवाइडेड, लेकिन फ्लोम मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, सीयूट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड फ्लोम फाइबर्स. देखो, जाइलम एंड फ्लोम को कलेक्टिवली हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं. एक तो पानी कंडक्ट करेगा जाइलम, एक खाना कंडक्ट करेगा फ्लोम. सी, जाइलम विल कंडक्ट वाटर, फ्लोम विल कंडक्ट फूड, ये बेसिक है. सो थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर डेड एक्सेप्ट जाइलम फाइबर्स. जाइलम में क्या होगा स्टूडेंट? तीन जो सेल हैं वो डेड हैं लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा सिर्फ एक लिविंग होगा. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जाइलम परमानेंट टिश्यू के बारे में. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोम परमानेंट टिश्यू के बारे में. सी स्टूडेंट, ये जाइलम टिश्यू के डायग्राम है ना. ये वाटर एंड मिनरल्स रूट से प्लांट तक पहुँचाएंगे. ये एरो
डायरेक्शन बता रहा है, वन वे है ओनली, मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर जाएंगे, इसलिए यूनिडायरेक्शनल होंगे। इनके सेल वॉल, ठीक, सेल वॉल लिग्निन के बने हैं, ठीक है, इसलिए ये डेड है। जाइलम को हम डेड सेल भी कहते हैं, फ्लोम को हम अलाइव सेल कहते हैं। फ्लोम को अलाइव क्यों कहेंगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में, डोंट गेट वरी। जाइलम का ये ऑटर सेल है जो कि नॉन लिविंग है, ऑफकोर्स ठीक है, तो नॉन लिविंग होगा। ये नॉन एंड वॉल बिटवीन, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, बी ऑब्लिक डब्ल्यू को मैं बिटवीन बोलते हैं शॉर्ट में, बिटवीन सेल्स, वाटर्स एंड मिनरल्स। सी फ्लोम का डायग्राम देख लो, फ्लोम को देखो, टू वे मूवमेंट हो रहे हैं, मतलब एक तो फूड लीफ से पूरे प्लांट बॉडी में जा रहा है ना, और फ्लोम वाटर भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन उतना मेनली इनका फंक्शन वाटर कंडक्ट नहीं होता है, मेनली तो जाइलम का फंक्शन होता है वाटर कंडक्ट करना, लेकिन फ्लोम भी वाटर कुछ हद तक कंडक्ट करते हैं, लेकिन मेनली इनका फंक्शन क्या, खाना को कंडक्ट करना, खाना तक, खाना को, फूड को पूरे प्लांट के बॉडी में पहुंचाना। सी लीफ से, तो लीफ से रूट तक जाएंगे तो नीचे आएंगे, है ना, वाटर फिर कंडक्ट कर रहे ऊपर जाएंगे, ओके। सी टू वे मूवमेंट, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। और इनके पास सीव प्लेट्स है, सीव प्लेट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, सी सेल्स हैव एंड वॉल्स विथ परफोरेशंस। ये जो सीव प्लेट्स है ना स्टूडेंट, ये सेल्स हैव एंड वॉल्स विथ परफोरेशन, परफोरेशंस का मतलब आप समझ लो होल ओपनिंग, ओके। ये कब इसके प्रेजेंस का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर को प्रोवाइड करता है या फ्लो ऑफ फूड को प्रोवाइड करेगा। परफोरेशंस होल्स होते हैं, ओपनिंग होते हैं। अब फ्लोम को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में मैं जाइलम डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। सी जाइलम ग्रीक वर्ड जाइलोन से ड्राइव वर्ड, जिसका मतलब ही होता है वुड, ओके। इट विल कंडक्ट वाटर टू प्लांट, इट विल कंडक्ट मिनरल सॉल्ट्स टू प्लांट, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स पर जाएगा। इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट बिकॉज ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स। देख लो, इनके सेल वॉल बहुत थिक होते हैं, मतलब डेड होते हैं, डेड हैं भैया तो मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और इनके सेल वॉल लिग्निफाइड सेल वॉल है, मतलब लिग्निन के बने होते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमा में आपने स्टडी किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में, उसके ही ये सेल वॉल बने होते हैं। सी कंपोज्ड ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स, ऑफ कोर्स जाइलम पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग है, बाकी जो बचे तीन स्टूडेंट ट्रैकेट्स, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर, जिसको हम ज़्यादा स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं, ये सारे डेड होते हैं, और ये फोर कंस्टिट्यूएंट से मिलकर एक जाइलम बनता है, मतलब फोर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर एक जाइलम बनता है। सो कंपोज ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल, तो ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है स्टूडेंट कि जाइलम के कौन से टाइप ऑफ सेल हैं जो लिविंग है और कौन से डेड है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ईजी वे में रिप्लाई कर सकते हैं। सी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे जाइलम फाइबर्स, मतलब जाइलम स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम पैरेनकाइमा के बारे में। सी स्टूडेंट, जाइलम फाइबर्स, जाइलम का मतलब ही होता है वुड, है ना, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड जाइलोस से ड्राइव हुआ है, तो वुड फाइबर्स भी कहते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा को हम वुड पैरेनकाइमा भी कहते हैं। देखो, जाइलम फाइबर्स को हम जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं स्टूडेंट। सी जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, है ना, मतलब ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है, ओके। तो वर्ड ही बता रहा है स्क्लेरेनकाइमा, हमने स्टडी किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ये डेड सेल होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स ये डेड सेल होंगे, हार्ड होंगे, लेकिन पैरेनकाइमा क्या था मेरे लाल, लिविंग सेल था, तो इसलिए लिविंग सेल। जाइलम फाइबर्स में सी ये लिग्निफाइड वॉल से बना है, हमें पता है स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन के डिपोजिशन से ये डेड हो जाते हैं, है ना, इसलिए लिग्निफाइड वॉल्स है इनके। पैरेनकाइमा हमने क्या स्टडी किया था कि लिविंग सेल था और इनके सेल वॉल सेलुलोज से बने होते हैं। इस जाइलम फाइबर्स में आप देख ले, ट्रांसपोर्ट वाटर बिटवीन द सेल, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं बिटवीन द सेल। व्हाई, क्योंकि ये डेड है, डेड का दो ही फंक्शन हो सकता है, या तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे। दैट्स व्हाई प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, है ना, और थिक सेल वॉल है, नैरो होंगे, ल्यूमन होंगे, लॉन्ग होंगे एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। सी ऐसे पिट है इन पे,
तो ट्रांसपोर्ट वाटर करेंगे, है ना। तो इनमें स्टूडेंट जाइलम फाइबर्स में क्या होंगे, पिट प्रेजेंट है, पिट की वजह से ये ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर बिटवीन द सेल, डिस्कस कर चुकी हूँ ये आपको, मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। देखो पिट का फंक्शन ही होता है एक सेल से दूसरे सेल में वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और ये डेड सेल है। मतलब इतना जान लो मेरे लाल कि जितना भी आपने स्केलेटन काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ा है बेसिक, वो सारा जाइलम फाइबर्स में मौजूद होगा, ठीक है। बस सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब शेप डिफरेंट होगा। ये इनके पास नैरो ल्यूमिन लॉन्ग पॉइंटेड एट बोथ एंड, सी लुक है, है ना। तो चलिए अब जाइलम पेरेंकाइमा के बारे में समझते हैं। सी लिविंग है, सेलुलोज है, पेरेंकाइमेटस सेल से बने हैं। पेरेंकाइमा भैया क्या फंक्शन था पेरेंकाइमा का, फूड स्टोर करते थे, ये भी फूड स्टोर करेंगे। और इनका थिन सेल वॉल होगा, और इनका जरा स्ट्रक्चर देख ले, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेंकाइमा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक लिविंग था, एक डेड था, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ट्रैकेट्स एंड ट्रैकिया के बारे में, जो कि मेनली दोनों डेड सेल से बने हैं। सी स्टूडेंट ट्रैकेट्स, इनके सेल लॉन्ग होंगे, ओके, नैरो होंगे और डेड सेल होंगे। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रैकेट्स, देख रहे हो, सेल लॉन्ग है, नैरो है और डेड सेल है, ठीक है। हाईली थिक्ड सेल वॉल से है, टैपरिंग एंड, टैपरिंग एंड इसे कहते हैं, ये इसे हम कहते हैं टैपरिंग एंड, टैपरिंग एंड है, ओके। लुक है क्लोज्ड एंड, मतलब कोई प्लेट्स नहीं है, मतलब कोई नो परफोरेशंस, देखो कोई प्लेट नहीं है, बीच में कोई प्लेट है, कोई भी प्लेट नहीं है। प्रेजेंट इन ऑल वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर प्लांट वो जान लो कि जो जिस प्लांट में फूल नहीं उगते हैं उसे वस्कुलर प्लांट कहते हैं, ठीक है। इन इफिशियंट इन वाटर कंडक्शन, मतलब ये वाटर कंडक्ट तो करेंगे स्टूडेंट, लेकिन उतना अच्छा वाटर कंडक्ट नहीं करेंगे जितना वेसल्स कंडक्ट करेंगे, इनके कंपैरिजन में ये इनएफिशिएंट है। और ये शॉर्टर सेल है, छोटे सेल होंगे और कंटेन लेस नंबर ऑफ लार्ज पिट, मतलब इनके पास बहुत बड़े बड़े पिट्स होंगे जो कि कम अमाउंट में होंगे। लुक हियर, है ना, बड़े बड़े लार्ज पिट हैं, कम अमाउंट में है, ठीक है। पिट है तो वाटर तो कंडक्ट करेंगे ही, सो ऑब्वियस। सी स्ट्रिंग वेसल्स, इसको आप ट्रैकिया भी कह सकते हैं। सी ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट हैं, छोटे छोटे सेल के हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़ाई होती है, डेड होते हैं, लेस थिकन होते हैं एज कंपेरिजन टू ट्रैकेट्स। ये ट्रांसवर्ब होंगे या ऑब्लिक एंड होंगे इनके, ये ओपन एंड्स होंगे, मतलब प्लेट्स होंगे, मतलब परफोरेशन शो करेंगे। देखो इसे कहते हैं परफोरेशन प्लेट्स, प्लेट है ना, ओपन एंड है, परफोरेशन मतलब ये स्टूडेंट होल कहो या ओपनिंग कहो, ठीक है। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर को ये अलाउ करते हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, ओके। सी प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब वैसा प्लांट जिसमें फूल होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में। वेरी एफिशिएंट इन वाटर कंडक्शन, हाँ भाई इनके पास तो प्लेट है, परफोरेशन प्लेट है, परफोरेशन प्लेट का फंक्शन ही होता है कि ये कंटिन्यूस वाटर कंडक्ट करते रहेंगे, है ना। तो इनके पास वाटर कंडक्ट करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू ट्रैकेट्स। लॉन्गर सेल होंगे, ठीक है, एंड इट विल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पिट, मतलब बहुत सारा छोटा 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 पिट्स होगा इनके पास। सी लुक हियर वेसल्स के पास परफोरेशन प्लेट्स है और इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे साइज के पिट्स है, लेकिन ट्रैकेट्स में क्या कम मात्रा में बड़े बड़े पिट्स है, ओके। अब देख लो स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा स्टूडेंट जाइलम फोर टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल से बने हैं। देखो जाइलम पेरेंकाइमा से बने हैं, है ना, ये जाइलम पेरेंकाइमा का डायग्राम है, ओके। फिर दूसरा ये बने हैं स्टूडेंट वेसल्स से, अनदर टाइप ऑफ सेल, या फिर इसको ट्रैकिया कहो आप। देखो ये वेसल्स है, परफोरेशन प्लेट्स देख रहे हो ना, और स्मॉल स्मॉल साइज के बहुत सारे पिट्स देख रहे हो, ये हो गए पेरेंकाइमा, जाइलम पेरेंकाइमा के बाद आ गया वेसल्स जिसे हम ट्रैकियाज कहते हैं। तीसरा ये बने हैं स्टूडेंट
सॉरी वेजल्स को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। थर्ड ये बने हैं ट्रैकेट से, देखो ये ट्रैकेट सब देख रहे हो ना। ओके यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर जाइलम स्केलर एंड काइमा भी प्रेजेंट होता है इस पे। ओके तो इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं जाइलम। स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लोम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।